बहुत दिनों के बाद मैं WWE पे वीडियो लेके आ रही हूँ। आई होप आप अच्छा रिस्पॉन्स दो अगर आपको ये वाला कंटेंट ज्यादा देखना है तो, ताकि मैं जल्दी जल्दी लेके आऊँ। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन वुमेन WWE एम्बेरेसिंग मूवमेंट्स 2023 के बेस्ट WWE इंटरजेंडर वेस्लिंग के दिलचस्प लम्हे बाय टैप आउट कॉर्नर हिंदी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैम, मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। रिया रिप्ले ने 2023 में जितने इंटरजेंडर मैच लड़े हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें सिर्फ मेंस डिवीजन में ही रेसलिंग करनी चाहिए। रॉ पर जजमेंट डे एक सिक्स मैन टैग टीम मैच में लड़ रहे थे, इसलिए रिया रिंग के बाहर खड़ी थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिया ने मैच में कुछ नहीं किया। जब रेफरी की नजर उन पर नहीं थी, तब रिया ने KO को रिंग के बाहर एक जोरदार क्लोथ लाइन मारी। लेकिन इससे ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात ये है कि रिया ने 2023 में केविन ओवेंस के साथ कुछ और भी ज्यादा खतरनाक किया। पे बैक में एक स्ट्रीट फाइट टैग टीम मैच में जजमेंट डे का सामना केविन ओवेंस और सैमी जेन से हुआ। इस मैच के दौरान रिया रिप्ले ने अपने अंदर के रोमन रेंस को जगाया और केविन ओवेंस को स्पीयर मारकर बैरिकेड पर पटक दिया। शायद आप लैश लेजेंड को ना जानते हों, लेकिन इसे देखने के बाद उन्हें नहीं भूल पाएंगे। NXT पर अल्फा एकेडमी का सामना मेटाफोर से एक 6-person टैग टीम मैच में हुआ। दोनों टीम में दो मेल और एक फीमेल रेसलर थे। मैच के दौरान मेटाफोर की तरफ से लैश लेजेंड रिंग में आई और वहीं अल्फा एकेडमी की तरफ से ओटिस लीगल रेसलर थी। इसके बाद लैश ने दिखाया कि उनके नाम में लेजेंड क्यों है। 2023 की सबसे अजीबोगरीब लड़ाइयों में से एक थी AJ स्टाइल्स और स्कारलेट की लड़ाई। स्मैकडाउन की शुरुआत में स्कारलेट ने रेड मिस्ट डालकर AJ को अंधा कर दिया, जिससे उनके पति कैरियन क्रॉस को स्टाइल्स का गला दबाने का मौका मिल गया। इसके अगले हफ्ते में स्टाइल्स बदला लेने के लिए आए और इसके लिए उन्होंने मिचिन के साथ टीम बनाई और क्रॉस और स्कारलेट का सामना किया। मैच के दौरान स्कारलेट ने AJ को बाल से पकड़ कर खींचा और पिन करने से रोक दिया। इसके बाद चीजें थोड़ी मजेदार हो गईं और स्कारलेट ने द फिनोमिनल वन के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर दी, लेकिन AJ ने इसका बेहतरीन जवाब दिया। क्या आपको सच में लगा कि रिया रिप्ले इस वीडियो में दोबारा नहीं नजर आएंगी? आप पूरी तरह से गलत हैं। द ग्रेट अमेरिकन बैश में डोमिनिक मिस्टीरियो को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में अपनी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप डिफेंड करनी थी वेस्ली और मुस्तफा अली के खिलाफ। रिया रिप्ले वहां डॉम का साथ देने के लिए मौजूद थी। मैच के दौरान रिया ने वेस्ली को पकड़ा और कमेंट्री टेबल पर एक पंप हैंडल स्लैम मारकर पटक दिया। रानी की बात तो ये है कि शो में हुई ये अकेली इंटरजेंडर रेसलिंग नहीं थी। इसी दिन इससे पहले एक 8-person टैग टीम मैच हुआ, जिसमें नेथन फ्रेजर, यूलिसिया लियोन, वेलेंटीना फेरोज और ड्रैगन ली का सामना मेटाफोर से हो रहा था। पहला इंटरजेंडर मोमेंट तब देखने को मिला जब यूलिसिया लियोन ने नायोन डार को क्रॉस बॉडी मारा। लैश लेजेंड ने इसे आगे बढ़ाया और नेथन फ्रेजर को अपने बूट्स का स्वाद चखाया। इसके बाद नायोन डार ने वेलेंटीना फेरोज का पिन तोड़ा, जिसके बाद वेलेंटीना ने इस स्कॉटिश रेसलर पर खतरनाक हमला कर दिया। 2023 की शुरुआत में WWE की सबसे बड़ी लड़ाई में से एक थी एज और बेथ फीनिक्स वर्सेस द जजमेंट डे। इसके कारण हमें कई सारे इंटरजेंडर रेसलिंग मोमेंट्स देखने को मिले। रॉ के 30 जनवरी के एपिसोड के दौरान मेन इवेंट में कोडी रोड्स का सामना फिन बैलर से हुआ। बेशक जजमेंट डे रिंग के बाहर खड़े थे और फिन की मदद के लिए तैयार थे, एज को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जजमेंट डे पर हमला कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से रेटेड आर सुपरस्टार रिया रिप्ली का सामना नहीं कर सके। अच्छी बात ये रही कि बेथ फिनिक्स अपने पति को बचाने के लिए वहाँ पहुँच गई। इसके अगले हफ्ते में बेथ ने इससे भी बेहतर काम किया जब उनका और एज का सामना जजमेंट डे से हुआ। द स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने दोनों टीमों को बराबरी के लेवल पर लाने में मदद की, जिसके बाद बेथ ने डोमिनिक मिस्टीरियो को जोरदार ग्लैम स्लैम मारा। लेकिन बदकिस्मती से डॉम के लिए 2023 में ये अकेला मौका नहीं था जब उन्हें किसी महिला के हाथों मार खानी पड़ी। आखिरकार एलिमिनेशन चेंबर पे पर व्यू में एज और बेथ का मैच फिन बैलर और रिया रिप्ले से हुआ, जिसमें डोमिनिक रिंग के बाहर मौजूद थे। इस मैच में फिनिक्स ने ही इंटरजेंडर रेसलिंग की शुरुआत की। उन्होंने पहले फिन को तब मारा
जब वो रिंग के किनारे पर खड़े थे और फिर जब डीमन किंग रिंग के कोने में थे तब उन्होंने फिन को जोरदार स्पीयर मारा। हालांकि डोमिनिक को ग्लैम स्लैम का बदला लेने का मौका मिल गया और उन्होंने फीनिक्स को टर्न बकल पर गिरा दिया। थोड़े समय बाद दोनों औरतें इंटरजेंडर रेसलिंग में शामिल हो गईं और बेथ और रिया दोनों एक दूसरे की टीम के मेल रेसलर को पावर बॉम्ब मारकर पटक दिया। लेकिन इसमें बेथ को आखिरी मूव मारने का मौका मिला और उन्होंने फिन बैलर को अपने घुटनों पर पटक दिया। मार्च 2023 को स्मैकडाउन के एक एपिसोड के दौरान डोमिनिक मिस्टीरियो का सामना सैंटन एस्कोबार से हुआ तो साफ है कि रिया वहां मौजूद होंगी। मैच के दौरान डोमिनिक ने रेफरी का ध्यान ब्रास नकल से भटका दिया। इससे रिया रिप्ले को मौका मिल गया कि वो सैंटोस एस्कोबार पर अपनी ताकत दिखा सके और उन्होंने एक जोरदार रिपटाइड मारी। लेकिन सिर्फ दो हफ्ते बाद ही डोमिनिक को वो मिला जिसके वो हकदार थे। रिया और डॉम का सामना सैंटोस और जेलेना वेगा से एक मिक्स टैग टीम मैच में हुआ। रिंग में वेगा लीगल रेसलर थी लेकिन डोमिनिक ने जेलेना का पिन तोड़ दिया। वेगा ने इसका बदला लिया और एक्स कॉन्डोन को हरिकराना मारकर गिरा दिया। ये दुश्मनी रॉ पर भी जारी रही जहां सिक्स मैन टैग टीम मैच में डायमंड प्रीस्ट डॉम और रिया का सामना हुआ सैंटन एस्कोबार जेलेना वेगा और रे मिस्टीरियो से। मैच के दौरान रिया डॉम को बचाने के लिए आई और रे को गोरिल्ला प्रेस स्लैम मारने की कोशिश की। ऐसा हो नहीं सका लेकिन इसके बावजूद भी रिया ने फैंस को कुछ इंटरजेंडर रेसलिंग जरूर दिखा दी और सैंटोस एस्कोबार को एक बेहतरीन ड्रॉप किक मारी। वैसे तो WWE के रेसलर्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है चैंपियनशिप बेल्ट जीतना, पर कुछ ऐसे रेसलर्स भी हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप की बेइज्जती की है। वो कौन है उसे देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें। मतलब ये रिया है ना, ये फेमस है, जो लोग WWE रेगुलरली देखते हैं वो लोग जानते होंगे, बिकॉज फॉर मी इट इज न्यू, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा है। आप लोग के लिए मैं रिएक्ट कर रही हूँ, तब देखा है। एंड इन लोगों का जो आउटफिट से लेके सारा स्टाइल वगैरह है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, या तो हेयर कलर बहुत ही फंकी होगा या तो लिपस्टिक ब्लैक होगी जैसे रिया की थी, ऊपर से वो बॉडी एंड ऊपर से उनके सारे जो किक्स वगैरह जो भी वो करते हैं उस मूव्स को एक नाम है कुछ, तो वो ड्रैगन मूव जो कुछ भी था वो मुझे अट्रैक्ट कर गया थोड़े देर के लिए, क्योंकि मुझे देखना था कि एग्जैक्टली क्या होता है और वो हुआ ही नहीं, वो कर ही नहीं पाए यार। हट नहीं तो हुई। वो तीनों पता है तीनों एक दूसरे पे जब चढ़े थे वो कैसे था, हुई घूम के वो खतरनाक था। बोले आपको पता है डांस कोरियोग्राफी में भी ऐसे आजकल जिम्नास्टिक ज्यादा होता है, आप लोग जानते होंगे, तो डांस कम और जिम्नास्टिक ज्यादा होता है आजकल डांस में, तो उसमें भी यही होता है ना, घुमा के देना नहीं होता बट घुमा फिरा के सारी चीजें करने होते हैं। ओके ये थोड़ा सा ज्यादा है, वो पहले वो रिंग पे चढ़ते हैं देन घूमते हैं कूदते हैं एंड एवरीथिंग। मेरे को ऐसा लगता है वो जो नीचे होता है ना, मैं पहले सोचती थी नीचे तो टाइल्स होता होगा ना, वो जो रिंग है उसमें हो सकता है कुशन बट नीचे तो टाइल्स होता होगा, कितना लगता होगा जब मैं छोटी थी तब, बट अब आई गेस कि नहीं वो टाइल्स नहीं है, वो भी कुशन है, सब कुछ कुशन है, वरना हम नॉर्मल घर पे गिर जाए अपनी वाट लग जाती है पूरी, उठ नहीं सकते कितने दिनों तक। पर वो चेयर से मारते, चेयर से वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं लोग, चेयर से मारना, चेयर इज समथिंग लाइक हैवी चीज ना, या कुशन तो हो नहीं सकता वो कि उससे मार दिया करके, नहीं क्या बस किक्स पंचेस, तो वो तो रियल ही है घुमा फिरा के देना। अलग अलग मूव्स सीखने में भी मजा आता होगा ना उनको, आज मैं ये मूव सीखूंगी आज मैं वो घुमा के मार देना, धराधन जिसको मारपीट पसंद है जाओ इस लाइन में। तो ये था मेरा रिएक्शन, आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाल, बाय।